पितृदोष से मुक्ति पाने के कई उपाय हैं, जिनमें से कुछ को रामबाण माना जाता है। पितृदोष उस समय उत्पन्न होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट नहीं होती या उनकी मृत्यु के बाद विधिवत तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान न किया गया हो। इसके समाधान के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। तर्पण और श्राद्ध कर्म। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध विधिपूर्वक करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। गया में पिंडदान। पितृदोष से मुक्ति पाने का एक बड़ा उपाय गया में पिंडदान करना है। इसे पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। पिपल वृक्ष की पूजा। नियमित रूप से पिपल के वृक्ष की पूजा करें और उसमें जल अर्पित करें। पिपल वृक्ष को पितरों का निवास स्थान माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा। पितृदोष निवारण के लिए भगवान विष्णु और विशेष रूप से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना बहुत लाभकारी होता है। साथ ही श्री हरि का ध्यान करना भी शुभ माना जाता है। कौओं और गरीबों को भोजन। पितरों की संतुष्टि के लिए कौओं, कुत्तों और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में यह कार्य विशेष रूप से फलदायी होता है। पीपल और बरगद वृक्ष के नीचे हवन। पितृदोष के निवारण के लिए पीपल और बरगद के वृक्ष के नीचे हवन और दान करना भी एक प्रभावी उपाय माना जाता है। हवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंत्र जाप। पितृदोष निवारण के लिए निम्न मंत्र का जाप बहुत प्रभावी माना जाता है। ओम पितृभ्यो नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुष्ठान और दान पुण्य। विभिन्न दान जैसे अनाज, वस्त्र, जल, अन्न, तिल और गुड़ आदि का दान ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को करने से भी पितृदोष का प्रभाव कम होता है। भगवद गीता का पाठ और दान। पितरों की शांति के लिए भगवद गीता का पाठ भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। साथ ही गीता का दान करना भी पितरों को तृप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। इन दानों का उल्लेख कई पुराणों में किया गया है। इन उपायों को अपनाने से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है और पितरों की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है।